पत्रकारों के खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखे जाने से आक्रोशित होकर सैकड़ों पत्रकारों ने की कानपुर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात। कानपुर, लगातार पत्रकारों के विरुद्ध दर्ज हुए निराधार मुकदमे को लेकर आज पत्रकारों के एक दल ने कानपुर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर पत्रकारों पर दर्ज हुए फर्जी FIR की जांच करने की मांग की। सदैव ही पत्रकार हितों के लिए कार्य करने वाली एकमात्र संस्था ऑल इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन के बैनर तले आज सैकड़ों पत्रकारों ने एकत्रित होकर लगातार पत्रकारों पर लिखे जा रहे फर्जी मुकदमों की शिकायत कानपुर पुलिस कमिश्नर से की है। बताते चले, हाल ही में थाना फील थाना क्षेत्र में बने एक लॉज में पत्रकार उमेश शर्मा अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने गए थे, जहां पर लॉज के बाउंसर और कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा पत्रकार उमेश शर्मा और उनके साथ आई महिलाओं के साथ मारपीट व अभद्रता की गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही अन्य पत्रकारों द्वारा घटना की खबर बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप और ट्विटर के माध्यम से उच्च अधिकारियों को अवगत कराने का प्रयास किया गया था। हालांकि आला अधिकारियों ने घटना का संज्ञान तो नहीं लिया, पर पत्रकार समाज के ठेकेदारों के डर से पीड़ित परिवार की आवाज उठाने वाले पत्रकार और पीड़ित परिवार पर ही फर्जी मुकदमा लिख डाला। फीलखाना, कोतवाली, नौबस्सा, स्वरूप नगर, इन सभी थानों में कुछ ठेकेदारों के सह पर पत्रकारों के खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखकर ईमानदारी से पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर आयरा प्रेस क्लब के बैनर तले सैकड़ों पत्रकारों ने कानपुर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और पत्रकारों पर लिखे फर्जी मुकदमे वापस लेने की मांग की। पुलिस कमिश्नर BP जोगगंड ने बताया कि जाने अनजाने पत्रकारों पर लिखे गए मुकदमों का संज्ञान में लिया गया है। इन सभी मुकदमों के लिए क्राइम ब्रांच की एक अलग टीम गठित की गई है, जिस टीम का कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पत्रकारों पर लिखे मुकदमों में विवेचना करना होगा। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने बताया कि कानपुर पुलिस सभी पत्रकारों का सम्मान करती है और अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा साजिश कर पत्रकारों को फंसाया जाता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ भी कठोरतम कार्यवाही की जाएगी। कैमरामैन रितिक गोयल के साथ सूरज कश्यप की रिपोर्ट। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।